नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तमन्ना और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ओके क्रेडिट। दोस्तों, हमारा ये चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आपको बिजनेस से जुड़ी तमाम जानकारी देने की हम कोशिश करते हैं और ख़ास तौर पर उन लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं जो अपना कुछ बिज़नेस शुरू करने की सोच रहे हैं या फिर अपना बिज़नेस अभी नया नया शुरू किया है और अपने बिज़नेस को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे हम छोटे छोटे टिप्स लेकर आते हैं, हम अपने जानकारों से बात करते हैं, एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं ताकि किसी भी तरह का कोई भी डाउट है ना, अगर आपके जहन में, वो क्लियर हो जाए। और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन लिखना है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज हम यही बात करेंगे कि आखिरकार एक बिज़नेस शुरू करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बिज़नेस शुरू किया जाए तो कैसे किया जाए, कौन सा बिज़नेस शुरू किया जाए और क्या क्या चीज़ें आपको जहन में रखनी है जब आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो ऐसे में आज हमारे साथ एक इंडिया के बहुत ही प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट, रिनाउंड नाम है उनका, शरद कोहली, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार अपने बिज़नेस के लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं ताकि हमारा बिज़नेस जो है और भी फले फूले। तो शरद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ओके क्रेडिट में। और मेरा पहला सवाल यही है कि अगर कोई अपना बिज़नेस शुरू करने की सोच रहा है तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है? डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता भी उसी अनुसार पड़ती है जिस अनुसार आपने फॉर्म ऑफ बिजनेस डिसाइड किया होता है। फॉर्म ऑफ बिजनेस का अर्थ है कि आप प्रोप्राइटरशिप शुरू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप शुरू करना चाहते हैं, LLC शुरू करना चाहते हैं या एक कंपनी बना के करना चाहते हैं। इन सब के लिए डॉक्यूमेंट्स कार्रवाई अलग होती है। प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। पार्टनरशिप शुरू करने के लिए एक पार्टनरशिप डीड स्टैम्प पेपर पे लिखनी पड़ती है, जो भी लोग पार्टनर उसमें होते हैं। LLC और कंपनी बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA जिसको कहते हैं, उनकी वेबसाइट पर सारा प्रोसेस, सारा प्रोसीजर कंप्लीट किया जाता है। उसके लिए एक स्पाइस प्लस फॉर्म बताया गया है। उस स्पाइस प्लस फॉर्म के माध्यम से आप एक ही डॉक्यूमेंट से पूरी की पूरी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं और साथ में रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं। अच्छा शरद जी, एक और सवाल मेरा ये है आपसे कि अगर किसी शख्स ने बिज़नेस शुरू करने की सोच ली है, उसने एक जगह भी ले ली है और वहाँ पर बिज़नेस शुरू करने का सोच रखा है, लेकिन उसके पास मशीन्स वगैरह नहीं है जिससे कि उसको बिज़नेस शुरू करना है, तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? अगर आप प्लांट और मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते तो पहले आपको, जो ही आप प्लांट मैन्युफैक्चरिंग का निर्णय ले, आपने अपना प्लॉट या मशीनरी साथ साथ ऑर्डर करी, उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप उन मशीनों को और प्लांट की आगे कार्रवाई कर पाएंगे। इसके लिए आपको पहले ये निर्णय करना पड़ेगा कि आप किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में चलाना चाहते हैं। उसके बाद आप अपने रजिस्ट्रेशन, जो जरूरी रजिस्ट्रेशन हैं, जो कि आजकल एक ही विंडो से, सिंगल विंडो सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत बना दिया है। मान लीजिए आप कंपनी बना रहे हैं तो एक स्पाइस प्लस फॉर्म जो MCA की वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसके अंदर एजाइल फॉर्म, अन्य फॉर्म भी हैं, पर स्पाइस प्लस को हम याद रखें। स्पाइस प्लस फॉर्म के अंतर्गत आप सारे रजिस्ट्रेशन, कंपनी का नाम, कंपनी के डायरेक्टर्स का DIN नंबर, कंपनी का PAN नंबर, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन, यही नहीं आप GST को भी स्पाइस प्लस फॉर्म के, जिसमें एजाइल में दिया गया है, स्पाइस प्लस के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं और तुरंत और एक साथ आपके ये सारे रजिस्ट्रेशंस कर दिए जाते हैं। शरद जी, एक और सवाल है कि जब भी कोई अपना बिजनेस शुरू करता है तो कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है? मेरा मतलब है कि जैसे प्लांट रेडी है, रजिस्ट्रेशन पहले करानी है या रजिस्ट्रेशन बाद में कराएं, पहले प्लांट रेडी करा लें, मतलब मैं तमाम चीज़ें समझना चाहती हूँ कि ये हायरार्की कैसे चलती है, किस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप लेना है ताकि हमारे को नुकसान का स्कोप कम रहे। अगर आप प्लांट और मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते तो पहले आपको, जो ही आप प्लांट मैन्युफैक्चरिंग का निर्णय ले, आपने अपना प्लॉट या मशीनरी साथ साथ ऑर्डर करी, उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप उन मशीनों को और प्लांट की आगे कार्रवाई कर पाएंगे। इसके लिए आपको पहले ये निर्णय करना पड़ेगा कि आप किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में चलाना चाहते हैं। उसके बाद आप अपने रजिस्ट्रेशन, जो जरूरी रजिस्ट्रेशन हैं, जो कि आजकल एक ही विंडो से, सिंगल विंडो सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत बना दिया है। मान लीजिए आप कंपनी बना रहे हैं तो एक स्पाइस प्लस फॉर्म जो MCA की वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसके अंदर एजाइल फॉर्म, अन्य फॉर्म भी हैं, पर स्पाइस प्लस को हम याद रखें। स्पाइस प्लस फॉर्म के अंतर्गत आप सारे रजिस्ट्रेशन, कंपनी का नाम, कंपनी के डायरेक्टर्स का DIN नंबर, कंपनी का PAN नंबर, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन, यही नहीं
आप जीएसटी को भी स्पाइस प्लस फॉर्म के, जिसमें एजाइल में दिया गया है, स्पाइस प्लस के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं और तुरंत और एक साथ आपके लिए सारे रजिस्ट्रेशन कर दिए जाते हैं। जी, और कंपनी को रजिस्टर करने का क्या रहता है पूरा रूल, लाइक ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरह से कंपनी को रजिस्टर कराया जा सकता है? कंपनी के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अब पूर्णतया ऑनलाइन है। कंपनी का अर्थ है जिसके आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड या LLC भी लगा हो, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जिसको बोलते हैं, ये तीनों कंपनी की कैटेगरी में आ जाते हैं। इनको बनाने का प्रोसेस पूर्णतया ऑनलाइन है। MCA 21, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर स्पाइस प्लस नाम से फॉर्म उपलब्ध है। आप उस फॉर्म के माध्यम से कंपनी के नाम अप्लाई करिए, कंपनी में कौन प्रमोटर्स है ये बताइए और कंपनी का क्या उद्देश्य है ये बताइए। साथ ही जो डायरेक्टर्स कंपनी में बनने जा रहे हैं उनको एक डिन नंबर आवश्यक होता है, वो डिन नंबर भी साथ आ जाता है। यही नहीं, पैन, टैन और GST नंबर तक उस एक स्पाइस प्लस फॉर्म के माध्यम से उपलब्ध हो जाता है और ये सारी प्रक्रिया आपकी 1 हफ्ते से 15 दिन के अंदर पूर्ण हो जाती है। कभी कभी साइट स्लो चलती है, टाइम लग सकता है, पर 15 दिन के अंदर ये आ जाती है। और मैं समझता हूँ बहुत ही सरल हो गया है बिजनेस को स्टार्ट करना और बिजनेस को रजिस्टर कराना। एक और सवाल, ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी क्या MSME का रजिस्ट्रेशन, GST का रजिस्ट्रेशन ये भी मैंडेटरी है, जरूरी है? MSME का भी रजिस्ट्रेशन कराना उचित रहता है क्योंकि MSME रजिस्ट्रेशन में 99% भारत के बिजनेसेस इस समय MSME में आते हैं और MSME में बहुत सारे फायदे मिलते हैं बिजनेस को, तो इसलिए MSME का रजिस्ट्रेशन भी साथ में करा लेना चाहिए। तो पहले कंपनी बनाएंगे, कंपनी बनाते ही कंपनी के साथ साथ अगर स्पाइस प्लस के माध्यम से बनाई जा रही है तो बहुत सारे रजिस्ट्रेशन साथ में हो जाते हैं, जिनमें GST है, कंपनी का पैन नंबर है, कंपनी का टैन नंबर है, डिन नंबर है, कंपनी का नाम, ये सारे के सारे रजिस्ट्रेशन आपके एक साथ स्पाइस प्लस से हो जाते हैं। और अगर आप प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप बना रहे हैं तो और आसान है। प्रोप्राइटरशिप तो सीधा एक बैंक अकाउंट खुलवाइए, GST रजिस्ट्रेशन लीजिए, शुरू हो जाती है। पार्टनरशिप फर्म है, एक स्टैम्प पेपर पे लीजिए, उस पर अपनी पार्टनरशिप डीड लिखिए, उसके बाद बैंक अकाउंट खुलवाइए और अपना GST रजिस्ट्रेशन और पैन नंबर अप्लाई कर दीजिए। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी आप अपनी कंपनी खोलते हैं, DIN। ये DIN नंबर क्या है, कैसे लेना पड़ता है, प्रोसेस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, उस पर थोड़ी रोशनी डाल दीजिए। DIN नंबर, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, उन व्यक्तियों को चाहिए होता है जो कि कंपनी के माध्यम से अपना बिजनेस करना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति उस कंपनी में डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं उनके लिए DIN नंबर लेना अनिवार्य है। ये DIN नंबर, जो अभी कंपनी बनी हुई है उसमें कोई डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसको DIN फॉर्म के जरिए ऑनलाइन उसको वो अप्लाई कर सकता है। परंतु अगर कंपनी आप नए सिरे से बना रहे हैं तो उसमें DIN नंबर आपका स्पाइस प्लस फॉर्म जो है उसी के माध्यम से DIN नंबर साथ के साथ अप्लाई हो जाता है, अन्य रजिस्ट्रेशन के साथ, जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी है, टैन नंबर भी है, पैन नंबर भी है, GST रजिस्ट्रेशन भी है, उसी के साथ ही DIN नंबर अप्लाई हो जाता है। तो DIN नंबर, जो व्यक्ति कंपनी में डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं या कंपनी को डायरेक्टर्स बन के शुरू करना चाहते हैं उनके लिए DIN नंबर है। चलती हुई कंपनी में ये अलग से अप्लाई करा जाता है, नई कंपनी जब बनाई जा रही है तो कंपनी बनाते समय ही आपका DIN नंबर भी अप्लाई हो जाएगा और आपका DIN आ जाएगा। इसके बाद कंपनी के डायरेक्टर्स को एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, DSC जिसको कहते हैं, वो लेना होता है, जिससे कि वो डिजिटली कंपनी के सारे कागजात पर साइन कर पाए। अगर हम निगम लाइसेंस की बात करें तो ये कैसे मिलता है और हमें कब लेना चाहिए? निगम के जो लाइसेंस होते हैं वो कुछ विशेष बिजनेसेस के लिए अप्लाई करते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम हैं, अलग अलग निगमों के अपने अपने नियम हैं। कुछ निगम आपको सुविधा ऑनलाइन अप्लाई करने के देते हैं, पर अभी भी कुछ राज्यों में ऐसे निगम हैं जो कि जहां की ऑफलाइन एप्लीकेशन दी जाती है। ये आपके बिजनेस पे आधारित होगा या निर्धारित होगा कि आपको निगम का क्या लाइसेंस चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आपको खाने का बिजनेस शुरू करना है, रेस्टोरेंट खोलना है, तो उसके लिए आपको लोकल अथॉरिटी, जो FSSAI की लोकल ब्रांच है, वहां निगम से फूड लाइसेंस, जिसको हम कहते हैं, लेना पड़ेगा। तो ये बिजनेस पे डिपेंड करेगा कि उसको निगम से क्या लाइसेंस चाहिए। ज्यादातर निगम, मैं ये कहूंगा कि ऑनलाइन इस समय अप्लाई करने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, पर चंद निगम ऑफलाइन भी है। कहने का मतलब यह है, राज्य और निगम पर डिपेंड करेगा और नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करेगा कि आपको निगम का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार लेना।
सेफ्टी सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट में एनओसी की ज़रूरत कितनी है, कब पड़ती है और कैसे ली जाती है? फैक्ट्री कारोबार शुरू करने के लिए, ज़्यादातर फैक्ट्रियों के लिए जो कि किसी सेफ्टी नॉर्म को उल्लंघन नहीं करती हैं, उसमें लाइसेंस नहीं चाहिए होता है। परंतु अगर आप किसी क्लस्टर में लोकेटेड है या किसी फैक्ट्री की अथॉरिटी में लोकेटेड है, जो किसी अथॉरिटी के अंतर्गत आती है, वहां पर ज़्यादातर अथॉरिटीज़ में, ज़्यादातर निगमों में अब ये ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। तो आपको फैक्ट्री लाइसेंस, जिसको कहा जाता है फैक्ट्री लाइसेंस, आप लोकल स्टेट से ऑनलाइन अप्लाई करके ले सकते हैं। और ये जो आप बिजनेस करने जा रहे हैं, जिस प्रकार की फैक्ट्री है उस पर निर्धारित होगा, उस पर आधारित होगा कि आपको किस प्रकार का लाइसेंस चाहिए। अगर फैक्ट्री खतरनाक है या खतरा है सोसाइटी के लिए, या वो पोल्यूशन ज्यादा कर रही है, या उसमें आग लगने का खतरा है, किसी भी प्रकार का खतरा है, कोई लीक का खतरा है, उसके लिए अतिरिक्त सेफ्टी लाइसेंस चाहिए होते। वरना आम फैक्ट्री लाइसेंस लेने के लिए ज्यादातर राज्यों ने, उनकी ज्यादातर अथॉरिटीज ने अब ऑनलाइन सुविधा दी हुई है। तो चल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमें इतनी अहम जानकारी दी। और हम दोबारा भी आपसे संपर्क करेंगे जब भी हमारे दर्शकों को ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे शरद कोहली जी, बहुत बड़े रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं इंडिया के। इन्होंने आपको तमाम वो जानकारी दी जिसके बारे में आप लोग हमसे सवाल पूछ रहे थे। तो अगर आपके पास और भी सवाल हैं, और भी डाउट्स हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। और हाँ, एक बार फिर से, कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह की कोई राय हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।